हेलो दोस्तों, आज हम सबसे रंगीन और अनोखे पक्षी परिवारों में से एक हनी क्रीपर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पक्षी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और ये विभिन्न प्रकार के आकार और रंगों में पाए जाते हैं। ये पक्षी अपने जीवंत पंखों और अनोखी चोंच के लिए जाने जाते हैं। हनी क्रीपर्स पक्षियों का एक आकर्षक समूह है जिसके बारे में अधिक जानने लायक है। चाहे आप पक्षी देखने के शौकीन हों या प्रकृति की सुंदरता की सराहना करते हों, ये रंग बिरंगे जीव निश्चित रूप से आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। हनी क्रीपर्स अपने चमकीले आकर्षक पंखों के लिए भी जाने जाते हैं। नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में अधिक चमकीले रंग के होते हैं और ये अपने रंगीन पंखों का उपयोग साथियों को आकर्षित करने और अन्य नर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करते हैं। हनी क्रीपर्स की 50 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा रंग और पैटर्न है। सबसे प्रसिद्ध प्रजातियों में से कुछ में हवाइन हनी क्रीपर और ग्रीन हनी क्रीपर शामिल हैं। हनी क्रीपर्स की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इनकी चोंच है। ये विशेष रूप से फूलों से अमृत खाने के लिए अनुकूलित होते हैं और ये प्रजातियों के आधार पर कई आकार में होते हैं। कुछ के पास फूलों के अंदर तक पहुंचने के लिए लंबी घुमावदार चोंच होती है, जबकि अन्य के पास अधिक सामान्य भोजन के लिए छोटी सीधी चोंच होती है। एक और चीज़ जो हनी क्रीपर्स को अलग करती है वह है इनका अविश्वसनीय रंग। ये पक्षी गहरे नीले और हरे से लेकर उग्र नारंगी और लाल तक होते हैं। कुछ प्रजातियों में इंद्रधनुषी पंख भी होते हैं जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। वयस्क हनी क्रीपर ज्यादातर लाल रंग का होता है। इसके पंख और पूंछ काले होते हैं और एक लंबी घुमावदार सैल्मन रंग की चोंच होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अमृत पीने के लिए किया जाता है। आसपास के हरे पत्तों के साथ लाल और काले पंखों का विरोधाभास हनी क्रीपर को हवाई के सबसे आसानी से देखे जाने वाले देसी पक्षियों में से एक बनाता है। छोटे पक्षियों के पंख सुनहरी होते हैं और इनमें अधिक धब्बे और हाथी दांत के बिल होते हैं और प्रारंभिक प्रकृतिवादियों ने इन्हें गलती से एक अलग प्रजाति समझ लिया था। युवा पक्षियों के वयस्क पंखों में बदलते हुए देखकर इस भ्रम का भी समाधान हो गया था। हवाई लोक कथाओं में इस पक्षी का अक्सर उल्लेख किया गया है। हनी क्रीपर के अजीबोगरीब गीत में कुछ सींटियां पानी में गेंदों के गिनने की आवाज, गुब्बारों का आपस में रगड़ना और जंग लगी काज की चीख शामिल है। जनवरी से जून की शुरुआती सर्दियों में ये पक्षी जोड़े बनाते हैं और संभोग करते हैं। मादा पेड़ के रेशों, पंखुड़ियों और नीचे के पंखों से बने एक छोटे कप के आकार के घोंसले में 2 से 3 अंडे देती है। ये नीले रंग के अंडे 14 दिनों में फूटते हैं। चूजे पीले, हरे और भूरे नारंगी रंग के होते हैं। चूजे 24 दिनों में उड़ जाते हैं और जल्द ही वयस्क हो जाते हैं। दोस्तों, हवाई पक्षी प्रजातियों की एक विस्तृत सुंदर श्रृंखला का घर है जो केवल इसके द्वीपों पर पाई जाती हैं। जैसे कि आश्चर्यजनक रूप से विविध हनी क्रीपर्स, जिनमें से कई विलुप्त होने की सीमा पर हैं, हालांकि अब एक स्थानीय टीम आक्रामक शिकारियों को हटा रही है, आवास बहाल कर रही है और हनी क्रीपर्स को उनके नवीनतम खतरे एवियन मलेरिया से बचाने के लिए मच्छर जनित बीमारियों से लड़ रही है। हनी क्रीपर्स की 50 से अधिक प्रजातियां एक समय हवाई के जंगलों और पहाड़ों को अपने गीतों से भर देती थीं, लेकिन अब केवल इनकी 17 प्रजातियां ही बची हैं, जिनमें से कुछ अगले कुछ वर्षों में विलुप्त होने के खतरे में हैं। एवियन मलेरिया, जो मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलता है, इन पक्षियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबकि पक्षियों की बीमारियाँ विश्व स्तर पर व्यापक हैं, इनकी सुंदरता और विविधता के बावजूद हनी क्रीपर्स को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। पर्यावास की हानि, जलवायु परिवर्तन, विखंडन और आक्रामक प्रजातियां इन पक्षियों और इनके पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डाल रही हैं। दुर्भाग्य से कई हनी क्रीपर प्रजातियां
निवास स्थान के नुकसान और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। इन खूबसूरत पक्षियों की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं कि ये जंगल में पनपते रहें। इसलिए इन अद्भुत प्राणियों के बारे में सीखना और इनकी सराहना करना बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके और हनी क्रीपर्स के बारे में जागरूकता फैलाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये पक्षी जंगल में पनपते रहें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।